जम्मू कश्मीर में 4,000 युवाओं के खिलाफ पहली बार पत्थरबाजी करने के मामलों को वापस लेने के फैसले का विपक्षी पार्टियों ने स्वागत किया है, मगर साथ ही उन्होंने बाकी के पत्थर फेंकने वाले युवाओं के भविष्य के बारे में राज्य सरकार से सवाल पूछा है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक नई पहल करते हुए बुधवार को राज्य के 4,000 युवाओं के खिलाफ पहली बार पत्थरबाजी करने के मामले को वापस लेने के निर्देश दिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य सरकार के इस कदम की तारीफ तो की, लेकिन साथ में ये भी सवाल खड़ा किया कि बाकी पत्थर फेंकने वाले युवाओं का क्या होगा। एंड इफ दे आर सिंसियर टुवर्ड्स द पेन एंड सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट पर्टिकुलरली द यूथ दे शुड कम फॉरवर्ड एंड डिक्लेयर एमनेस्टी फॉर ऑल दोज हु आर इन प्रिजन अवेटिंग punishment because the cases are being tried in the courts of law. वहीं जेडीयू नेता जीएम शाहीन ने कहा कि हमें इन युवाओं को काम देना होगा, नहीं तो ये फिर गलत राह पर चले जाएंगे। We welcome this step taken by the government and amnesty, but the question is we have to rehabilitate these guys. Unless you will not rehabilitate these people, these things will come again and again. We have to open the doors of the business and rehabilitate. Try to get them involved in some jobs, because if they can't have anything to do except keep stones in their hands and and running their on way to the gun, and you have to shut the gun, shut the violence. Only the way is that we have to rehabilitate. लेकिन अब सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार इन युवाओं को कोई रोजगार देगी या फिर ये युवा एक बार गलत रास्ते पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।